हेलो दोस्तों दोस्तों भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम लेने जा रही है, यानी भारत सरकार बहुत बड़ा कदम लेने जा रही है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में बिना किसी इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन में जो है लाइव टीवी को देख सकते हैं, यानी लाइव टीवी को जो है अपने मोबाइल फ़ोन में ही देख सकते हैं। एक होता है DTH, एक होता है DTH होता है, और दूसरा होता है DTM। पहले अभी जो है भारत सरकार के द्वारा जो है DTM को लाया जा रहा है, यानी डायरेक्ट डायरेक्ट टू मोबाइल। और एक होता है DTH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है तो डायरेक्ट टू होम, यानी डायरेक्ट टू होम होता है। और DTM का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू मोबाइल। जो भारत सरकार जो लाने वाली है वो DTM को ला रही है, यानी डायरेक्ट टू मोबाइल को ला रही है। हालांकि DTH का मतलब क्या होता है कि जैसे DTH का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक घर है, घर के अंदर टीवी चल रही है, तो सबसे पहले क्या होता है कि घर के ऊपर एक अल्टीना लगा होता है जिसे डिश कहा जाता है। और ये जो क्या होता है कि सैटेलाइट को भेजती है इन्फॉर्मेशन को, और ये सैटेलाइट जो है इन्फॉर्मेशन को जो है अल्टीना को भेजती है, और अल्टीना जो है इसके वजह से क्या होता है कि घर में जो है टीवी जो है चलता है बिना किसी इंटरनेट से जो है वो चलता है। इसी तरह से जो है भारत सरकार क्या कर रही है कि अब मोबाइल फ़ोन में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी मोबाइल फ़ोन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो डायरेक्ट टू होम जो है पहले टीवी के में इस्तेमाल किया जाता था, अब इसका इस्तेमाल जो है डायरेक्ट टू मोबाइल में किया जाएगा। यानी मोबाइल के माध्यम से जो है आप जो बिना किसी इंटरनेट के माध्यम से लाइव टीवी को देख सकते हैं, जिस तरह से जो है टीवी में देखा जाता है। और जो है इसे क्या हो सक इसमें जो है डेवलपमेंट इसमें जो है डेवलपमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, और साथ में जो है आईआईटी कानपुर है, इसमें जो है इन तीनों के द्वारा मिलकर जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इन सभी कंपनियों को बहुत ज़्यादा घाटा लगने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा झटका लगने वाला है। क्योंकि भारत में जो है भारत में ज़्यादातर जो डेटा का जो खर्च होता है, यानी डेटा का जो ज़्यादातर खर्च होता है वो खर्च होता है किसमें, वो खर्च होता है वीडियो देखने में, यानी वीडियो देखने में ज़्यादा खर्च होता है। तो इसलिए भारत सरकार इसे ला रही है कि जो डेटा को जो वीडियो देखने में खर्च हो रहा है, इससे क्या होगा कि डेटा का जो बचत होगा, यानी डेटा कम यूज़ होगा। इसलिए जो है इस जो जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है इससे झटका लगने वाला है। और सवाल ये है कि आखिर जो है इसे मोबाइल फ़ोन में ही क्यों लाया जा रहा है, इन्हें इसे जो है मोबाइल फ़ोन में क्यों लाया जा रहा है, जबकि टीवी में था तो ये सही भी था, लेकिन आखिर इसे मोबाइल फ़ोन में क्यों लाया जा रहा है। तो इसके मोबाइल फ़ोन लाने के कारण यह है कि भारत में जो है लगभग जो है 200 मिलियन ऐसे घर है जिन जहाँ पर टीवी है, जिसके घर में टीवी है। लेकिन भारत में लगभग एक आंकड़ा ऐसा भी है कि भारत में जो है लगभग 800 मिलियन लोगों के पास जो है मोबाइल फ़ोन है, और आने वाले समय में ये जो आंकड़ा जो है 1 बिलियन को भी क्रॉस करने वाला है। तो इसीलिए ये लाया जा रहा है कि हर व्यक्ति के पास जो हर इनफैक्ट मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में आप जो है बिना किसी इंटरनेट के जो है लाइव टीवी को देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा कदम होगा भारत सरकार के द्वारा, और ये इससे क्या होता है क्रांति आ सकती है, जो है बहुत बड़ा ये क्रांति के रूप में ये जो है साबित होगा। क्योंकि जो देखेंगे तो UPI जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा कदम लिया गया था, अब जो है काफ़ी UPI जो है अपना जो है पूरी दुनिया में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, और आज पूरी दुनिया UPI का इस्तेमाल करने जा रही है। और इसके हिसाब से जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो इसको करने जा रही है जो भारत सरकार, अगर ये हो गया, अगर ये सफल हो गया तो जो है बहुत बड़ा जो ये क्रांति के रूप में होगा। इनफैक्ट आगे देखना होगा कि क्या होता है, क्या भारत सरकार के क्या निर्णय आता है और क्या इस पर जो है काम होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसे ही वीडियो देखना है तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।